सिख रहत मर्यादा। सिख दी परिभाषा। जो स्त्री या पुरुष एक अकाल पुरख, दस गुरु साहिबान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, दसा गुरु साहिबाना दी बाणी अते सिख्या अते दशमेश जी दे अमृत उत्ते निश्चय रखदा है, ओ सिख है। सिख दी रहनी। सिख दी रहनी दो प्रकार दी है, सख्शी अते पंतक। सख्शी रहनी विच सब तो पहला है नाम बाणी दा अभ्यास। सिख अमृत वेले पहर रात रहंदी, जाके इशनान करे अते अकाल पुरख दा ध्यान करदा होया वाहिगुरु दा नाम जपे, नितनेम दा पाठ करे। नितनेम दिया बाणियां इस प्रकार हन, जपजी साहिब, जाप साहिब, दस सवैये, सवर्ग शुद्ध समूह वाले। ए बाणियां अमृत वेले पढ़नियां चाहीदियां हन। सौदा रहरास शाम वेले सूरज डुबने ते पढ़ना चाहिदा है। सोहेला साहब दी बाणी रात नूं सौण तों पहले पढ़नी चाहीदी है। अमृत वेले अते सौदार वेले नितनेम तों उपरांत अरदास करनी जरूरी है। अरदास होण समय संगत विच हाजरी भर रहे सारे इस्त्री अते पुरशां नूं हथ जोड़ के खलोना चाहीदा है। जो सज्जन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया बैठा होवे ओह भी उठ के चोर करे। अरदास करन वाला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सन्मुख खड़े हो के हाथ जोड़ के अरदास करे। जे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मौजूद ना हो तां किसे पासे भी मुँह करके अरदास करो, यह प्रवान है। जदो कोई खास अरदास किसे एक या वधीक आदमियां वल्लों होवे तां उन्हां नूं बिना संगत विच बैठे होरना दा उठना जरूरी नहीं। साध संगत विच जुड़ के गुरबाणी दा अभ्यास करना, सब तो पहला गुरद्वारे विच। गुरबाणी दा असर साध संगत च बैठियां वधेरे हुंदा है, इसलिए सिख लई उचित है कि सिख संगतां दे जोड़ मेले दे अस्थाना गुरद्वारियां उत्ते दर्शन करे अते साध संगत विच बैठ के गुरबाणी तों लाभ उठावे। गुरद्वारे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश रोजाना होवे, बिना खास कारण दे जब तक कि प्रकाश जारी रखन दी लोड़ होवे रात नूं प्रकाश ना रहे। आम तौर ते रहरास दे पाठ दे मगरों सुख आसन कीता जावे। जब तक ग्रंथी या सेवादार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सेवा लई हाजर रह सकन, जां पाठियां दर्शन करन वालियां दी आवाजाई रहे, जां बेअदबी दा खतरा ना होवे तां तक प्रकाश रह सकदा है। उपरांत सुख आसन कर देना उचित है तां जो बेअदबी ना हो जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सन्मान नाल प्रकाशिया पढ़िया अते संतोखिया जावे। प्रकाश करन वाला स्थान साफ सुथरा होना चाहिदा है, उपर चांदनी होवे। प्रकाश मंजी साहब ते साफ सुथरे वस्त्र विछा के कीता जाना चाहिदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं संभाल के प्रकाशन लई गदेले आदि समान वरते जाण अते उपर लई रुमाले होण। जदों पाठ ना हुंदा होवे तां उत्ते रुमाला पिया रहे, प्रकाश वेले चोर भी चाहीदे हन। उपर दसे समान तों इलावा धूप या दीवे मचा के आरती करनी, भोग लाने, जोतां जगाणियां, तल खड़काउणे, इह सारे ही करम गुरमत अनुसार नहीं हन। प्रकाश स्थान नूं सुगंधित करन लई फुल, धूप आदिक सुगंधियां वरतणियां विवर्जित नहीं हन। कमरे दे अंदर रोशनी लई तेल, घी या मोमबत्ती, बिजली लैंप आदि जला लेने चाहीदे हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बराबर किसी भी पुस्तक नूं अस्थान नहीं देना चाहीदा। गुरद्वारे विच कोई मूर्ति पूजा जा होर गुरमत दे विरुद्ध कोई रीति जा संस्कार ना होवे, ना ही कोई अनमत दा त्यौहार मनाया जावे। किसे मौके या एकत्रता नूं गुरमत दे प्रचार लई वरतना अयोग नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पंगूड़े दे पावियां नूं मुठियां भरनियां, कंधां या थड़ियां ते नक रगड़ना या मुठियां भरनियां, मंजी साहिब हेठां पाणी रखना, गुरद्वारियां विच मूर्तियां बुत बनाने जां रखणियां, गुरु साहिबान या सिख बजुर्गां दीआं तस्वीरां अगे मत्थे टेकणे, इहो जिहे करम सारे ही मनमत हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं
एक तो दूजी थां ले जाण वेले अरदास करनी चाहीदी है। जिस सिख ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं चक्किया होवे उह नंगी पैरी चले, पर जेकर कदे जरूरत पै जावे तां जोड़े पा सकदे हां। कोई भी भरम नहीं करना चाहीदा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अरदास करके प्रकाश कीता जावे। प्रकाश करन वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच्चों एक शब्द दा वाक लिया जावे। जदों भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी आवे, भावें अगे प्रकाश होया होवे या फिर ना होया होवे, हर एक सिख नूं सन्मान लई खड़े होना चाहीदा है। गुरुद्वारे दे अंदर जाण लग्गिआं जोड़े बाहर लाने चाहीदे हन। सुथरा हो के जाना चाहीदा है। जे पैर मैले या गंदे होण तां जल नाल धो लेने चाहीदे हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अथवा गुरुद्वारे नूं अपने सज्जे पासे रख के परिक्रमा करनी चाहीदी है। गुरुद्वारे दे अंदर जाण लई किसे भी देश, मजहब या जाति वाले नूं मनाही नहीं है, पर उस दे पास सिख धर्म तों विवर्जित तंबाकू आदि कोई चीज़ नहीं होनी चाहीदी। गुरुद्वारे दे अंदर जाके सिख दा पहला करम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे मत्था टेकना है। उपरांत गुरु रूप साध संगत जे दर्शन करके सहज नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाना है। संगत विच बैठन ले भी सिख असिख, छूत छात, जात पात, ऊच नीच दा भरम या वितकरा नहीं करना चाहिदा। किसे मनुख दा सतगुरां दे प्रकाश समें या संगत विच गदेला, आसन, कुर्सी, चौंके, मंजा आदि ला के बैठना या किसे होर वितकरे नाल बैठना मन मत है। संगत विच या सतगुरां दे प्रकाश समें किसे भी सिख नूं नंगे सिर नहीं बैठना चाहिदा। संगत विच सिख इस्त्रियां लई पर्दा या कुंड कढ़ना गुरमत विरुद्ध है। सिखां दे पंज तखत हन। श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, तखत श्री पटना साहिब, तखत श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर विखे, तखत श्री हजूर साहिब नांदेड़, तखत श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो विच। तख्तां दे खास स्थान उत्ते केवल रहतवान अमृतधारी सिंह या सिंघणी ही चढ़ सकते हैं। तख्तां उत्ते पवित अते तनखाइए सिख तो बिना हर एक प्राणी मात्र सिख गैर सिख की अरदास हो सकती है। हर एक गुरद्वारे विच निशान साहिब किसी उच्चे थां ते लगा होवे। निशान साहिब दे पोशाके दा रंग बसंती या सुरमई होवे अते निशान साहिब दे सिरे उत्ते सरवलो दा पाला या खंडा बनिया होवे। गुरद्वारे विच नगारा होना चाहीदा है जो समय सिर वजाया जावे। कीर्तन करना। संगत विच कीर्तन केवल सिख ही कर सकदे हन। कीर्तन गुरबाणी नूं रागां विच उचारण करन नूं कहिंदे हन। संगत विच कीर्तन केवल गुरबाणी या इस दी व्याख्या स्वरूप रचना भाई गुरदास जी अते भाई नंद लाल जी दी बाणी दा हो सकदा है। शब्दां नूं जोटियां दी धारणा जां राग नाल पढ़दिआं बाहर दीआं मन घड़त अते वाधू तुक्का ला के धारनी लाउणी जां गाउणा अयोग है। शब्द दी तुक ही धारणा बनाई जा सकदी है। हुक्म लैणा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे मत्था टेकना, गुरु रूप संगत दे अदब नाल दर्शन करने अते आवाजा लैणा जां सुनना सतगुर दे दर्शन हन। वाक लैण तो बिना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा रुमाल चुक के दर्शन करना या करवाना मन मत है। संगत विच एक समय इको गल होनी चाहीदी है। कीर्तन या कथा, व्याख्यान या पाठ। दीवान समय संगत विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबियां केवल सिख मर्द या तीवी ही बैठन दा अधिकारी है। संगत नूं पाठ केवल सिख ही करके सुनावे। अपने आप लई पाठ कोई गैर सिख भी कर सकदा है। हुक्म लैण लग्गिआं खब्बे पासे दे अंग उत्तों पहला शब्द जो जारी है मुढ तो पढ़ना चाहीदा है। जे उस शब्द दा मुढ पिछले अंग तो शुरू हुंदा है तां पिछले अंग नूं परत के उत्थों पढ़ना शुरू करो अते शब्द सारा पढ़ो। जे वार होवे तां पौड़ी दे सारे श्लोक अते पौड़ी पढ़नी चाहीदी है।
शब्द के अंत विच जिथे नानक नाम आ जावे उत्थों तक भोग पाया जावे। दीवान की समाप्ति जा भोग की अरदास हो के अंतम हुकम लिया जावे। साधारण पाठ लई रहत मर्यादा। हर एक सिख नूं वस लगे अपने घर विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश करन दा वखरा ते नवेकला स्थान नियत करना चाहिदा है। हर एक सिख सिखणी बच्चे बच्ची नूं गुरमुखी पढ़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना अते सिखना चाहिदा है। हर एक सिख अमृत वेले प्रसाद छकन तो पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा हुक्म लवे। जे उस विच उकाई हो जावे तां दिन विच किसे ना किसे वेले जरूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करे या सुने। जे किसे कारण दर्शन करन तो असमर्थ हो जाइए तां शंका नहीं करनी चाहीदी। चंगा तां इह है कि हर एक सिख अपना साधारण पाठ जारी रखे अते महीने दो महीने मगरों जिन्ना समा भी हो सके भोग पा देवे। पाठ आरंभ करन समय आनंद साहिब दीआं पंज पौड़ियां अते एक अंतली पौड़ी दे पाठ मगरों अरदास करके हुक्म लैना चाहिदा है। फिर जपजी साहिब दा पाठ करना चाहिदा है। अखंड पाठ लई रहत मर्यादा। अखंड पाठ किसी खुशी या गमी वेले भी कीता जांदा है। यह तकरीबन 48 घंटिआं विच संपूर्ण कर दिता जांदा है। इस पाठ नूं लगातार बिना रोक दे कीता जांदा है। पाठ साफ अते शुद्ध पढ़ना चाहिदा है। अक्षर मात्रा दा ध्यान रख के पाठ शुद्ध अते साफ पढ़ना चाहिदा है, भावें कुछ समा अधिक लग जावे। अखंड पाठ जिस परिवार या संगत ने करना है वो आप करे। टब्बर दे किसे आदमी साख संबंधी मित्र आदि नाल मिल के करन। पाठियां दी गिनती कोई भी मुकर्रर नहीं है। जे कोई आदमी आप पाठ नहीं कर सकता तां किसे चंगे पाठी कोलों सुन लवे। पर यह ना होवे कि पाठी आप इकला बह के पाठ करता रहे अते संगत या टब्बर दा कोई आदमी ना सुनदा होवे। पाठी दी यता शक्ति भोजन वस्त्र आदि नाल योग सेवा कीती जावे। अखंड पाठ या होर किसे तरह दे पाठ वेले कुंभ जोत नालियेर आदि रखने या किसे होर बाणी दा पाठ करना मन मत है। अखंड पाठ दा आरंभ। साधारण पाठ दे आरंभ वेले प्रसाद लिया के आनंद साहिब दीआं 6 पौड़ियां दा पाठ करके अरदास मगरों हुक्म लिया जावे। अखंड पाठ वेले कड़ा प्रसाद होवे, फिर आनंद साहिब दीआं 6 पौड़ियां दा पाठ करन मगरों अरदास करके अते हुक्म लै के पाठ दा आरंभ कीता जावे। भोग लई रहत मर्यादा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ साधारण या अखंड पाठ दा भोग मुंदावणी उत्ते या रागमाला पढ़ के चरदी स्थानक नीति अनुसार पाया जाए। इस तो उपरंत आनंद साहिब दा पाठ करके भोग दा अरदासा कीता जावे अते कड़ा प्रसाद वरत्याया जावे। भोग समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी लोड़ अनुसार रुमाल चोर चाननी आदि दी भेटा अते पंथक कारजा लई यथा शक्ति अरदास कराई जावे। कड़ा प्रसाद लई रहत मर्यादा। कड़ा प्रसाद जो विधि अनुसार तैयार किया जावे या करा के लिया जावे संगत विच प्रवान होवेगा। कड़ा प्रसाद तैयार करन दी विधि यह है, किसे साफ भांडे विच त्रिभावली भाव आटा उत्तम मिठा अते घी इको जिहे पा के गुरबाणी का पाठ करद्या होया तैयार किया जावे। ये स्वच्छ वस्त्र नाल ढक के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूर विच चौकी उपर रख्या जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूर संगत नूं उच्ची आवाज सुना के आनंद साहिब दीआं पहलियां 5 पौड़ियां अते अंतली 1 पौड़ी का पाठ किया जाए। उस तो बाद अरदासा सोधिया जाए। इस तो बाद प्रवानगी लई कुरबान भेट की जाए। इस तो उपरंत संगत नूं वरतान तो पहला कड़ा प्रसाद विचों 5 प्यारियां दा गफ्फा कढ के वरताया जाए।
उपरंत संगत विच वरतान लग्या पहला ताबिया बैठे सिंह नू कटोरे या कोल विच पा के देवे अते फिर बाकी संगत नू वरताया जाए। किसे भी लिहाज जा किरणा करके वितकरा ना करिया जाए। सब सिख गैर सिख नीच ऊच जात वाले नू इको जिहा वरताया जाए। कड़ा प्रसाद वरतान वेले संगत विच बैठे किसी भी मनुख तो जात पात छूत छात का ख्याल करके गिलानी नहीं करनी चाहिदी। कड़ा प्रसाद भेटा करन वेले घट्टो घट एक टका नगद अरदास भी होवे। गुरबाणी की कथा लई रहत मर्यादा। संगत विच गुरबाणी की कथा सिख ही करे। कथा का मनोरथ गुरमत दृढ़ाउणा होना चाहिदा है। कथा दस गुरु साहबाना की बाणी या भाई गुरदास भाई नंद लाल जी या किसी होर प्रमाणिक पंथक पुस्तक या इतिहासक दियां पुस्तकां चों गुरमत अनुकूल होनी चाहिदी है। कथा अनमत दे किसी पुस्तक दी नहीं हो सकती पर प्रमाण किसी महात्मा या पुस्तक दी उत्तम सिक्ख्या दा लिया जा सकता है। गुरद्वारे विच गुरमत तो विरुद्ध कोई विख्यान नहीं हो सकता। गुरद्वारे विच संगत दा प्रोग्राम आम तौर ते इस तरह हुंदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश उस तो उपरंत कीर्तन कथा वख्यान आनंद साहिब अरदास फतेह सत श्री अकाल दा जयकारा अते हुकम गुरमत दी रहनी लई रहत मर्यादा। सिख दी आम रहनी किरत विरत गुरमत अनुसार होवे। गुरमत की है? एक अकाल पुर तो छुट किसे देवी देवते दी उपासना नहीं करनी। अपनी मुक्ति का दाता अते ईष्ट केवल दस गुरु साहबान श्री गुरु ग्रंथ साहिब अते दस गुरु साहबाना की बाणी नू मनना है। दस गुरु साहबाना नू इको जोत का प्रकाश भाव इको रूप करके मनना है। जात पात छूत छात जंत्र मंत्र शगन तिथ महूरत ग्रह राशियां श्राद्ध पितर ख्या पिंड पत्तल दीवा किरियाकर्म होम जग तर्पण सिखा सूत भद्दन एकादशी पूर्णमाशी आदि दे वर्त तिलक जंजू तुलसी माला गौर मठ मड़ी मूर्ति पूजा आदि भरम रूप कर्मा उत्ते निश्चा नहीं करना। गुरु अस्थान तो बिना किसी अन्य धर्म दे तीर्थ या धाम नू अपना स्थान नहीं मनना। पीर ब्राह्मण पुछना सुखना शीरणी वेद शास्त्र गायत्री गीता कुरान अंजील आदि उत्ते निश्चा नहीं करना। पर हाँ आम वाकफी लई अनमत्ता दे ग्रंथा दा पढ़ना योग्य है। खालसा सारे मत्ता तो न्यारा रहे पर किसे अंतरमी दा दिल ना दुखावे। हर एक काम करन तो पहला वाहिगुरु अग्गे अरदास करे। सिख लई गुरमुखी विद्या पढ़नी जरूरी है। होर विद्या भी पढ़ सकते हैं। संतान नू गुरमुखी दी विद्या सिखाउणी सिख दा फर्ज है। जन्म वेले बच्चे दे जो भी केस होए केस ओही रखे जान। नाम सिंह रखे सिख अपने लड़के लड़कियां दे केस साबत रखे। सिख भंग अफीम शराब तमाकू आदि नशे ना वरते अमल प्रशादे दा ही रखे। सिख मर्द अथवा इस्त्री नू नथ कान छेदना मना है। गुरु दा सिख कन्या ना मारे कुड़ी मार नाल ना वरते। गुरु दा सिख धर्म दी कीरत करके निर्वाह करे। गुरु दा सिख गरीब दी रसना नू गुरु दी गोलक जाने। चोरी यारी ना करे जुआ ना खेडे। पर बेटी को बेटी जाने पर स्त्री को मात बखाने। अपनी स्त्री सोरत होई रहतवंत सिंह है सोई। इसे तरह सिख स्त्री अपने पति वर्त धर्म विच रहे। गुरु दा सिख जन्म तो लैके देहांत तक गुरु मर्यादा करे। सिख सिख नू मिलन समय वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। मर्द अते स्त्री दोहां ले ही यही हुक्म है। सिख स्त्रियां ले पर्दा या कुंड कढ़ना उचित नहीं।
ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਛਹਿਰੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਸਜਾਵੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਮਾਤਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਦੀਆ ਭੇਜ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਦਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਧਨਵੰਦ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੇ ਧੁਣ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਤੋਂ ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਆਦਿ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋਤ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਜਦ ਲੜਕੀ ਸਰੀਰ ਮਨ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਿੱਠਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਦਿਸੇ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਰਾ ਮੁਕਟ ਜਾਂ ਗਾਨਾ ਬੰਨਣਾ, ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਣੇ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ, ਬੇਰੀ ਜਾਂ ਜੰਡੀ ਵੱਢਣੀ, ਘੜੋਲੀ ਭਰਨੀ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਛੰਦ ਪੜਨੇ, ਹਵਲ ਕਰਨਾ, ਵੇਦੀ ਗੱਡਣੀ, ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਨਾਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਮਨਮਤ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਮੰਗਾਵੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਵੇ। ਦੋਹੀ ਪਾਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ। ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕੁਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਭਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੋਣਾ ਦਿੜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਯੋਗ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਣ।
वर नूं दस्या जावे कि लड़की वालियां ने तुहानूं ही सब तों वधीक योग जाण के वर चुणिया है। आपने अपनी पत्नी नूं अर्धांगणी जाण के सारियां अवस्थां विच इको जिहा प्यार करना है अते वंड छकना है। इस दे शरीर अते इज्जत दे राखे तुसी हो। इस्त्री बरत धर्म विच पक्के रहना है। इस दे माता पिता अते संबंधियां नूं अपने माता पिता अते संबंधियां दे तुल आदर देना है। कन्या नूं दस्या जावे कि आप नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अते संगत दे हजूर विच इस सज्जन दे लड़ लाया जांदा है। आप इन्हां दे निर्मल भाव विच रहिंदे होए इन्हां नूं ही अपने सारे प्रेम अते शरदा दा मालक समझना है। दुख सुख देश परदेश विच अपने पति धर्म विच पक्के रहना है। सेवा करनी है। इहदे माता पिता अते संबंधियां नूं अपने माता पिता अते संबंधियां वांग जानना है। उपदेश दीआं गल्लां प्रवान करदे होए वर अते कन्या दोवें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अग्गे मत्था टेकण। फिर लड़की दा पिता जां मुखी संबंधी लड़के दा पल्ला लड़की दे हाथ विच फड़ावे अते ताबिया बैठा सज्जन सोही महला चौथा विच दितियां लावा दा पाठ सुनावे। हरेक लाव दा पाठ होण मगरों अगे वर अते पिछे कन्या वर दा पल्ला फड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां चार परकामा करन। परकरमा करन समय रागी जां संगत लावां नूं कर्म अनुसार सुर नाल गाई जाण अते वर कन्या हर एक लाभ मगरों मत्था टेक के अगली लाभ सुनन लई खड़े हो जाण। उपरंत ओ मत्था टेक के अपनी थां ते बैठ जाण अते रागी सिंह जां आनंद कराउण वाला आनंद साहिब दियां पहलियां पंज पौड़ियां अते अंतली एक पौड़ी दा पाठ करे। फिर आनंद दी समाप्ती दा अरदासा सोधिया जावे अते कड़ा प्रसाद वरताया जावे। अनमत वालियां दा व्याह आनंद रीति नाल नहीं हो सकदा। लड़के जां लड़की दा संजोग पैसा लैके ना करे। जेकर लड़की दे मां प्यो किसे सबब नाल लड़की दे ग्रह विखे जाण अते उत्थे प्रसाद तैयार होवे तां खाण तों संकोचना नहीं है। अन्न ना खाणा सब भरम है। खालसे नूं खाणा खवाणा श्री गुरु बाबे अकाल पुरख बख्शिया है। लड़के अते लड़की वाले आपस विच खांदे रहन इसे वास्ते जो गुरु ने दोवें साख इक कीते हन। जिस स्त्री दा परता कालवस हो जाए ओ चाहे तां योग वार देख के पुनर संजोग कर लेवे। सिख दी स्त्री मर जावे तां उस लई भी यही हुक्म है। पुनर व्याह दी भी एहो रीत है जो आनंद लई उत्ते दसी गई है। आम हालतां विच सिख नूं एक स्त्री दे हुंदियां दूजा व्याह नहीं करना चाहिदा। अमृतधारी सिंह नूं चाहिदा है कि अपनी सिंघणी नूं भी अमृत छका लवे। मृतक संस्कार लई रहत मर्यादा। प्राणी नूं मरण वेले जे मंजे उत्ते होवे हेठ नहीं उतारना। दीवा वट्टी गौ मनसाउणा जां होर कोई मनमत संस्कार नहीं करना। केवल गुरबाणी दा पाठ करना या वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप करना है। प्राणी दे देह त्यागण ते धा नहीं मारनी। पिटना या स्यापा नहीं करना। मन नूं वाहिगुरु दी रजा विच लियाउण लई गुरबाणी दा पाठ या वाहिगुरु दा जाप करी जाणा चंगा है। प्राणी भावें छोटी तों छोटी उम्र दा होवे सो भी संस्कार ना चाहिदा है। जिथे संस्कार दा प्रबंध ना हो सके उत्थे जल प्रवाह या होर तरीके वर्तन उत्ते कोई भी शंका नहीं करनी। संस्कार लई दिन या रात दा भरम नहीं करना चाहिदा। मृतक शरीर नूं इशनान करा के स्वच्छ वस्त्र पाए जाण अते ककार जुदा ना कीते जाण। फिर तख्ते उत्ते पा के चलाने दा अरदासा सोधिया जावे। फिर अर्थी नूं चुक के शमशान भूमि वल लिजाया जावे। नाल वैरागमाई शब्द दा उचारण किया जाए। संस्कार दी थां पहुँच के चिथा रची जावे। फिर शरीर नूं अगली भेटा करन लई अरदासा सोधिया जावे।
फिर प्राणी नूं अंगीठे उत्ते रख के पुत्र जां कोई होर संबंधी या हितू आदि अग्नि ला देवे। संगत कुछ विच ते बह के कीर्तन करे या वैरागमाई शब्द पढ़े। जद अंगीठा पूरी तरह बल उठे तां कपाल किरिया आदि करना मनमत है। कीर्तन सोहेले दा पाठ करके अरदासा सोध के संगत मुड़ आवे। घर आके जा लागे दे गुरद्वारे विच प्राणी नियमत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ रख्या जावे अते आनंद साहिब छे पौड़ियां दा पाठ करके अरदासा दसवें दिन होवे। जे दसवें दिन ना हो सके ता कोई होर दिन संबंधियां दी सोख अनुसार मुख रख के नियत कीता जावे। इस पाठ दे करण विच घर वाले अते संबंधी रल के हिस्सा लैन। जे हो सके ता हर रोज रात नूं कीर्तन भी होवे। दुशहरे दे पिछों चलाने दी कोई रसम बाकी नहीं रहिंदी। मृतक प्राणी दा अंगीठा ठंडा होण ते सारी देह दी भस्म अर्थियां समेत उठा के जल प्रवाह विच प्रवाह कर दित्ती जावे जां उत्थे ही दब के जमीन बराबर कर दित्ती जावे। संस्कार स्थान ते मृतक प्राणी दी यादगार बनाउणी मना है। अद मार्ग स्यापा फोहड़ी दीवा पिंड किरिया श्राद्ध बुढ़ा मरना आद करना मनमत है। अंगीठे विचों फुल चुके गंगा पतालपुरी करतारपुर साहिब आदि थावां विच जाके पाने मनमत हन। होर रीतियां लई रहत मर्यादा। इन्हां संस्कारां तों छुट समय समय जो भी खुशी गमी दा मौका आ बने जिवें नवें मकान विच प्रवेश करना नवीं दुकान खोलना बालक नूं मदरसे पाउणा आदि तां सिख नूं चाहीदा है कि वाहिगुरू दी सहायता लई अरदासा सोधे। सिक्खी विच सारे संस्कारां दा जरूरी अंग बाणी दा पाठ अते अरदासा है। सेवा लई रहत मर्यादा। सेवा सिख धर्म दा इक उग्गा अंग है। इस नूं नमूने मात्र सिखाउण लई गुरद्वारियां विच ही प्रबंध कीता हुंदा है। सधारण रूप इस दे इह हन गुरद्वारे दे झाड़ू लेपण संगता दी पाणी पक्खे दी सेवा लंगर दी सेवा अते जोड़े झाड़न आदि हन। गुरु दा लंगर इस दे दो भाव हन। एक सिखा नूं सेवा सिखाउणा दूजा ऊच नीच छूत छात दा भरम मिटाउणा। गुरु दे लंगर विच बैठ के ऊच नीच किसी जात या वर्ण दा प्राणी प्रसाद छक सकदा है। पंगत विच बिठाउण लग्या किसी देश वर्ण जाति या मजहब दा वितकरा नहीं करना। पर हाँ एक थाली विच केवल अमृतधारी सिख ही छक सकदे हन। पंथक रहणी दी रहत मर्यादा। गुरमत अनुसार पंज तरह दी पंथक रहणी है। पहली गुरु पंथ, दूजी अमृत संस्कार, तीजा तनखा लाउण दी विधि, चौथा गुरमत्ता करण दी विधि, पंजवा स्थानक फैसलियां दी अपील। गुरु पंथ लई रहत मर्यादा। सेवा केवल पक्खे लंगर आदि ते ही नहीं मुक जांदी। सिख दी सारी जिंदगी परोपकार वाली है। सेवा सफल ओ है जो थोड़े जतन नाल वधीक तो वधीक हो सके। ਇਹ ਗੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖਸ਼ੀ ਧਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਥ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
इन्हां पंज प्यारां विच कोई अंगहीन अन्ना काणा लूला या लंगड़ा दीर्घ रोग वाला ना होवे, कोई तनखाइया ना होवे, सारे त्यार बर त्यार दर्शनी सिंह होण। हर देश हर मजहब अते जाति दे हर स्त्री पुरुष नूं अमृत छकण दा अधिकार है, जो सिख धर्म ग्रहण करन ते उस दे असूलां उपर चलण दा प्रण करे, पर ओह बहुत छोटी अवस्था दा ना होवे, होश संभाली होवे, अमृत छकण वाले हरेक प्राणी ने केशी इशनान कीता होवे, अते हर एक पंज ककार केस किरपान गात्रे वाली कछहरा कंगा कड़ा दा तारणी होवे, अनमत दा कोई चिन्ह ना होवे, सिर नंगा या टोपी ना होवे, छेदक गहने कोई ना होण, अदब नाल हाथ जोड़ के गुरु जी हजूरी विच खड़े होण। जे किसे ने कुरहत करन करके मुड़ अमृत छकना होवे तां उसनू अड करके संगत विच पंज प्यारे तनखा ला लैण। अमृत छकाउण वाले पंज प्यारिआं चों कोई एक सज्जण अमृत छकण दे अभिलाषियां नूं सिख धर्म दे असूल समझावे। सिख धर्म विच किरतम दी पूजा त्याग के एक करतार दी प्रेमा भगती अते उपासना दसी है। इस दी पूर्णता लई गुरबाणी दा अभ्यास साध संगत अते पंथ दी सेवा उपकार नाम दा प्रेम अते अमृत छक के रहत रखना मुख साधन हन। इस तो बाद अमृत छकण वालियां तो यह प्रश्न पूछना है कि तुसी इस धर्म नूं खुशी नाल कबूलदे हो। हाँ दा जवाब आउण ते प्यारिआं चों इक सज्जण अमृत दी तैयारी दा अरदासा करके हुक्म लवे, पंज प्यारे अमृत तैयार करन लई बाटे पास आ बैठन। बाटा सर्व लोदा होवे अते चौंकी सुनहरे आदि किसे स्वच्छ चीज विच पूर रख्या होवे। बाटे विच स्वच्छ जल अते पतासे पाए जान अते पंज प्यारे बाटे दे इर्द गिर्द वीर आसन हो के बैठ जान अते इना बाणियां दा पाठ करन। जप जी साहिब, जाप साहिब, दस सवैये सावर्ग सुध वाले, बेनती चुपई हमरी करो हाथ दे रच्छा तो लैके दुष्ट दोख ते लेहो बचाई तक अते आनंद साहिब दा पाठ करन। हर एक बाणी पढ़न वाला खब्बा हाथ बाटे दे कंडे ते धरे अते सज्जे हाथ नाल खंडा जल विच फेरी जावे, सुरत एकागर होवे, बाकी दियां दे दोवें हाथ बाटे दे कंडे अते ध्यान अमृत वल टिके। पाठ होण मगरों प्यारिआं विचों कोई एक अरदास करे, जिस अभिलाखी ने अमृत दी तैयारी वेले सारे संस्कारां च हिस्सा लिया है उही अमृत छकण विच शामिल हो सकता है, अधवाटे आउण वाला नहीं हो सकता। इस तो उपरंत श्री कलगीधर दशमेश पिता का ध्यान धरके हर एक अमृत छकण वाले नूं वीर आसन करा के उसके खब्बे हाथ उपर सज्जा हाथ रखा के पंज चूले अमृत दे चकाए जाण अते हर चूले नाल इह कहा जावे, बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फिर पंज वारी अमृत दे चिट्टे नेत्रां विच पाए जाण, फिर पंज छट्टे केसा विच पाए जाण, हर एक छट्टे नाल चकाउण वाले दे पिछे पिछे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गजाई जावे। सारियां नूं अमृत छकाउण तों बाद जो अमृत बाकी रह जावे उस नूं सारे अमृत वाले सिख अते सिखणियां रल के छकण। उपरंत पंज प्यारे रल के इको आवाज़ नाल अमृत छकण वालियां नूं वाहिगुरु दा नाम दस के मूल मंत्र सुनाण अते उहनां पासों इस दा रटण कराउण। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। फिर पंज प्यारिआं चों कोई सज्जण रहत दसे, अज तो तुसी सतगुर कै जन्म गवन मिटाया है अते खालसा पंथ विच शामिल होए हो, तुहाडे धार्मिक पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हन अते धार्मिक माता साहिब कौर जी हन। जन्म आपदा केशगढ़ साहिब अते वासी आनंदपुर साहिब दे हो।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਰਾਤਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਤ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਨਮ ਦੋਸ਼ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਗਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੰਡ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਨੜੀ ਮਾਰ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਰਹਿਣਾ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣੀ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਤਨਖਾਹੀਏ ਇਹ ਹਨ: ਮੀਣੇ ਮਸ ਧਰਮ ਲਈਏ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਆਦਿਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੜੀ ਮਾਰ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਮ੍ਰਿਤੀਏ ਜਾਂ ਪਤਿਤ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਹੜਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਭੰਗ ਅਫੀਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੋਸਤ ਕੁਨੀਨ ਆਦਿਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਲਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਲ ਕੇ ਛਕਣ। ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਹ ਹੈ: ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸੋਂ ਰਹਿਤ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨੇ। ਗੁਰਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਪਾਸ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵ ਦੰਡ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੰਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਸੋਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਹ ਹੈ: ਗੁਰਮਤਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੋਣ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਬੀੜ ਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਪੰਥ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਾਬਤ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਮਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੱਥਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕੱਠ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ?
सिख धर्म दुनिया का सब तो नवीनतम और पंजवां सब तो वड्डा धर्म है। सिख धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है जिसकी स्थापना 15वीं सदी विच गुरु नानक देव जी ने कीती सी। सिखी शब्द सिख तो आया है जो संस्कृत भाषा तो लिता गया है जिसका अर्थ है चेला या सीखण वाला। इसलिए सिखी विच चेला गुरु दे दसे हुए मार्ग उत्ते चलता है। यह मार्ग गुरु नानक देव जी अते बाद दे गुरु साहिबाना दी सिख्या ते आधारित है। गुरु नानक देव जी इक्यो ओंकार द्वारा सानू सारी सृष्टि नू उस इक्को मालिक दा सुनेहा दिंदे हन जो सिर्फ एक ही करता है अते सब दा मालिक है। भारत विच जाति फिरका प्रस्ती कट्टरता दा जोर सी। गुरु नानक देव जी ने इस वर्ण वंड ऊच नीच दा भेद किते बिना सब दा आदर किता अते सब नू परमेश्वर दी असलियत बारे दस्या कि ओ अकाल पुरख एक है अते उस दा इको ही सच्चा नाम है सत नाम। सिखी दे विश्वास ए हन, इको सच्चे अकाल पुरख विच विश्वास करना, सच्चाई दी राह ते चलना, हरेक नू बराबर समझना, सब दी सेवा करना, सत्संग करनी। सिखी दे तीन थंब हन, नाम जपना, किरत करनी, वंड छकनी। सिखी दियां पांच बुराइयां हन, पांच बुराइयां तो दूर रहना जो मनुखी शख्सियत दी पांच मुख कमजोरियां हन, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। सिखां दे पांच गुण ए हन। गुरु साहिबान ने पांच गुण दसे हन जो हर एक मनुख नू ध्यान रखने चाहिए हन, सच दया संतोख नम्रता अते प्रेम। गुरमत अनुसार सिख नू इस रहत मर्यादा दा पालन करना चाहिदा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।